नमस्कार, मैं गौरी इंगले। महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम प्रीतोदा ने यह कहा है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं, वे गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं। सेम प्रीतोदा ने यह बयान राहुल गांधी के साथ टेक्सास में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने आगे कहा है कि राहुल गांधी समावेशिता में हिमायती है। कोलकाता के चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले से संबंधित याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। बंगाल सरकार ने भी कोर्ट की स्थिति रिपोर्ट सौंपी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि जब डॉक्टर काम नहीं करते थे तब 23 लोगों की मौत हो गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट सीबीआई ने नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को एक हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी की याचिका रद्द कर दी। टीएमसी नेता और उनकी पत्नी रुजीरा ने याचिका में ईडी की समान चुनौती दी थी, जो उन्हें पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जारी हुआ था। दोनों ने दावा किया है कि कलकत्ता उनका सामान्य निवास स्थान है। उनकी ईडी सुमन को चुनौती दी है क्योंकि इसके लिए उन्हें नई दिल्ली में उपस्थिति होना जरूरी था। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। खंडपीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में अगली सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी परदावाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक बंद लिफाफा सौंपा है। इसमें कथित तौर पर मौजूदा स्थिति पर ब्यूरो सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को सौंप गए इस रिपोर्ट ने बताया गया है कि घटना के विरोध में डॉक्टर की हड़ताल के दौरान 23 लोग ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश में 11 सरकारी विभागों में खाली पदों पर बंपर नौकरियां निकालने वाली है। उत्तराखंड अधिस्थन सेवा यचन आयोग 15 सितंबर से 4,400 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें पुलिस, वन आरक्षी समेत इंटर और स्थानक स्तरीय पदों पर नौकरी के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा आयोग की ओर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम जारी करने का शेड्यूल तैयार में जुटा है। प्रदेश सरकार ने अब तक कई विभाग में 16,000 पद चयन पर प्रक्रिया पूरी कर युवा को नौकरी दी है, जो 3 साल के भीतर सबसे अधिक नौकरी देने का रिकॉर्ड है। यूक्रेन ने रूसी हमले को जवाब देने के लिए खतरनाक ड्रैगन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि ड्रोन पेड़ों के ऊपर से उड़ रहा है और लावा फेंक रहा है, जिसकी वजह से जंगल में आग लग गई है। CNN के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने पेड़ों की ओर से छिपी रूस सैनिक को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। इस ड्रोन में थर्माइट का इस्तेमाल हुआ है, जो एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का एक मिश्रण है। यह 4000 डिग्री फारेनहाइट तापमान पर चलता है। देश विदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। आयुष्यात प्रगती तेव्हाच होते जेव्हा अंगभूत गुणांना योग्य संधी मिळते। ग्रामीण महिलांना आत्मसन्मानाने जगता यावी, त्यांची जीवोन्नती व्हावी म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र कार्यरत आहे। गरीब महिलांच्या आयुष्यात समृद्धी यावी म्हणून उपजीविकेचे विविध स्त्रोत निर्माण केले जात आहेत। त्यांना स्वयंसहायता गट ते महिला किसान सशक्तीकरण परियोजनेचा लाभ मिळतोय। महिला बचत गटातील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी महालक्ष्मी सरस माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ मिळवून दिलेली आहे। शेतकरी महिलांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी 400 शेतकरी कंपन्या स्थापन केलेल्या आहेत। आज ग्रामीण भागातील लाखो महिलांच्या जगण्याचा दर्जा उंचावतो आहे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नती अभियान। निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा। ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन। जलविद्युत निर्मितीसाठी पंप स्टोरेज धाटणीच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासन आणि NTPC, वेल्सपन न्यू एनर्जी, NHPC, रिन्यू हायड्रो पॉवर, THDC इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी या कंपन्यांशी माहिती सरकारने नुकतंच सामंजस्य करार केला।
ज्यामध्ये 62,550 इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने हे विक्रमी करार करण्यात आले असून त्यातून 35,240 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे। राज्यातील या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 1,88,750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक तर राज्यात 2030 पर्यंत 50% वीज निर्मिती ही नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांमधून होणार आहे। या करारामुळे शाश्वत वीज निर्मिती आणि अर्थव्यवस्था वाढीस मोठा हातभार लागणार आहे। राज्याची एकूण वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता 46,000 मेगावॅट असून 40,870 मेगावॅटचे पंप स्टोरेज क्षेत्रात वीज निर्मिती करार झाल्यानं हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्याचं हे मोठं पाऊल आहे। राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीतही लक्षणीय वाढ करण्यात येत आहे।